हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मित्र के ब्लॉग के एक नवका वीडियो में। और भैया लास्ट वीडियो में हम आपको जैसे कि बोले सो लास्ट वीडियो जो आएगा आप क्या बोल रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको राजगीर के मल्लमास मेला दिखाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई लोग? राजगीर। और पटना में आप लोग सोच रहे होगा ये चमन चूतिया क्यों आए। इस मेले देखने के लिए आया है, ठीक है। हमको फोन किया है, कल फोन किया था ना। तो आप चलिए मेला घूमते हैं। हम कह ठीक है घूम लेंगे। और मेरे साथ में है शिव भाई, हमारे बाहुबली। तब शिव भाई कहाँ कहाँ घूमना है? बहुत जगह घूमना है, फिर भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए ऑडियंस को। मैं नहीं बताऊंगा। झूला कुंभ है एक जिसमें गर्म पानी जो है ना उसमें हमेशा ठंडी में भी गर्म पानी निकलता रहता है, वो भी आपको दिखाएंगे। और भैया आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, सो हम इतना घूमते हैं भाई पैसा कहाँ से लाते हैं? बोल बोल। तो उसका हम उपाय आप लोगों को बता देते हैं। ये वीडियो मतलब प्रमोशन नहीं है, सो हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब बहुत आदमी के मन में ये शंका था ना, तो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप दिख रहा होगा एंजल वन, तो यहीं पे हम ट्रेड करते हैं। ये मेरा प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मतलब 200 300 5000 2000 ऐसे पर डे का होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे अगर होगा तो। तो आप लोग भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति ट्रेड करना चाहते हैं पहले तो डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके हमसे इंस्टा पे, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां संपर्क करिए। वहां पे हम जो ट्रेड लेते हैं वो आपको बता देंगे, मेरे साथ आप भी प्रॉफिट कर लीजिएगा। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई, आपको करना होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसके मन में शंका था उसको बता दिए। और अभी फिलहाल हम यहां से निकलते हैं, पटना जंक्शन से हम लोग का ट्रेन है 3:30 रात में। तो अभी 9-10 निकल रहे का है कि गेट बंद ना हो जाता है, तो चलो फटाफट भागो भागो भागो। इना चनिया हमारे कहना चल रहा था, चलो ना। चलो सर आदमी हम जा रहे हैं हम लोग, चलो ना। कहना चल रहा था, दंग का रिकॉर्ड हुआ है। सबको जनरल से लेके जाएंगे, मजा आएगा। 3 घंटा में इस सब का ना जी फट जाएगा। मस्त प्लान है, हमको तो आदत है। हाँ तो भैया ऑटो में बैठ गए। और आप सोच रहे होइएगा ये गमछा कहला रखे हैं, तो आपको नहीं पता है गमछी से एक बिहारी सौपे बिहारी। दूसरे स्टेट को हेट नहीं कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं। तो अब चलते हैं जंक्शन फटाफट, ठीक है। नचनिया ठीक है, सब ठीक है। तो भैया फाइनली स्टेशन पहुंच गया और शिव भाई को मच गया चश्मा लेने का चुल। चश्मा लेते हैं एगो। चलिए हो गया जी। ओ शिव भाई हाय, एगो चश्मा ले वा। ब्लैक वाला दिखाई ब्लैक वाला चश्मे ना है जो हम देखना चाहते हैं, वो वाला आपको पहना के घुमाते नहीं है। एमसी स्टैंड वाला जा, ये वाला पहनिए छपड़ी वाला पहन के दिखाइए ना। एक मिनट, ऑडियंस बताया केहन है इसका भी तो पता है। ये चश्मा तो ले लिए और चश्मा का रेट बोल रहा था 180, लिए कितना में मुना भैया? 70 रुपया में। पहले बोला है 100 रुपया दे दो, नहीं 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 जाने लगे ना तो जाओ भाई जाओ, कोई नहीं देगा। फिर बुला के दिया क्या सी भाई? और ये आइडिया शिवे भाई का था, 70 तुम बोल रहे हो, 70 में दिया। तो अभी आगे होटल में भोजन करने हैं, भोजन करते हैं उसके बाद और बकचोदी करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो भैया हम लोग खाना खा लिए और अभी तक टिकट नहीं लिए हैं, लेकिन बैठे हैं समझिए एक तरह से प्लेटफॉर्म पे ही। तो अब जाके टिकट ले लेते हैं, उसके बाद ट्रेन का वेट करते हैं। 3 बजे हम लोग का ट्रेन है क्या? और तनका पसीने पसीने शिव भाई हो गया है, छोड़िए अब कहीं और घूमने चले गए थे, थोड़ा साइड इधर उधर बहक जाते हैं हमारे शिव भाई। तो भैया हम लोग अभी टिकट कटाने गए हैं और पता चला है भैया यहाँ तो ट्रेन कैंसिल हो गया है। अब ऑटो से जाएंगे हम लोग। अरे विनैया को यही बैठा के गए थे, पता नहीं फोन करिए ले यार, अयो बंद हो गया, ऐसे ही जाएंगे। तो भाई अब कैसे जाएंगे, दिखते हो गया अभी, पता है 1:45 हो रहा है रात के। तो क्या नाचो भाई? तो भैया क्या हुआ पता है, ट्रेन में तो हो गया कैंसिल, तो हम लोग किया ऑटो बुक, ऑटो से जाएंगे। ऑटो देखे क्या लग रहा है बताइए तो, कोठा लग रहा है कि नहीं? कोठा लग रहा है। हेलो 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 गाइस,
मुन्ना डिप्रेशन में जाके ऐसे बोल रहे हैं। हम निकलते हैं ऑटो से, बड़ा मजा आएगा। सोचे नहीं थे ऑटो से जाना पड़ेगा यार। कथी है देखे भैया, कितना अश्लील आदमी है। भैया पता ना हमारे मुंह दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, उधर नहीं किया मोबाइल झपट्टा मार लेगा कौनो। और हमारे साथ में यही भैया है जो ऑटो से अपने ले जा रहे हैं। और भैया बोल रहे थे कार से हम लोग बात कर रहे थे ना, तो कार वाले के बारे में उसे आगे ले जाके छीन लेता, तो छीन लेता। आप लोगों को तो पता ही है हम किए ना तनका मुनका, हम उठे तो छीनने तो नहीं है देते, ओकरे छीन देते। मजाक की बात रहा ये। तो आप चलते हैं भैया, कितना देर में मोटा मोटी पहुँच जाएंगे हम लोग? अब हम क्या लगा है, गाड़ी तो भरा ही है। मोटा मोटी बताइए ना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा? अच्छा पहली बार जा रहे हैं अभी, तो चलो हम अनुमान लगाते हैं 3 घंटा मोटा मोटी मान लीजिए। 110 किलोमीटर है 100 किलोमीटर के लपेट में, तो देखते हैं क्या क्या होता है रोड में, दिखाते हैं आपको भी, बने रहिए। ओके तो भैया आ गए राजगीर, ऑटो में तनका सो गए हुए थे हम, है ना। और ऑटो वाला पता है क्या सीन कर रहा था, 1300 में बात करके आए थे, 1400 बोल रहा था वो। चले फटाफट चलते हैं, मेला दिखाते हैं आपको, भीड़ देखिए। तो भैया अभी पता है मेला दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं गर्म कुंड, वहाँ जा रहे हैं स्नान करेंगे, उसके बाद मेला आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ऑटो में बैठ गए हैं, और जो मेला के बारे में आपको बोल रहे थे ना, मेला नहीं, हम स्टेशन के इधर जा रहे थे यार। वहाँ पे रहने वहने का व्यवस्था था, जो दूर दूर से आते हैं। खूब आदमी का पहचानी है सब, जाना कहीं और जाए। कल से इतना चल रहे हैं कि नीचे का सिस्टम खराब। तो भैया पहुंच गए मेला में, और मुन्नी कुछ कहना चाहते हो? गरम कुंड में पहले, गरम कुंड में पहले स्नान करेंगे दोस्तों। तब जाएंगे पहाड़ पे दोस्तों, जो सामने है। और ये फ्रंट कैमरा से वीडियो बनवा रहा है, काहे कि बैक कैमरा में इसको मजा नहीं आता है, पीछे मजा नहीं आता है। ओ मुन्ना भैया नहीं करता, कहाँ बोले नहीं बोले। अच्छा पीछे में मुन्ना भैया को नहीं बुझाता है। विनय को देखिए कैसे चल रहा है। तो विनय भाई तुम्हारा तो चाले बदल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, यहाँ पे गर्म कुंड है ना, गर्म कुंड तो पता भीड़ इतना हद से ज्यादा, वो दिखाने तक हमें 4-5 घंटा हमको लाइन में लगना पड़ता, 4-5 घंटा में आपको बहुत कुछ हम दिखा देंगे। तो चलिए आप चलते हैं फटाफट। तो भैया फाइनली हम लोग पहुँच गए, और आगे मस्त पहाड़ है जो आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सिनेमेटिक में। तो भैया पहाड़ की चढ़ाई हम कर रहे हैं, शुरू कर दिया, जाना था तो उससे, वो केवल वोबल दिख रहा है शायद आपको, वो गुई गुई करके ले जाता, नाम उसका हमको नहीं पता है, लेकिन वो खुलेगा 10 बजे, और अभी बज रहा है 6, तो 4 घंटा क्या करेंगे, 6:30 बज रहा है, तो हम लोग निकल गए, अब तक तो पहुँच गए रहेंगे। कहाँ मित्रों जी? भाई हाँ भाई, मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आएगा। तो भैया मेरे पीछे 2-4 गो और ब्लॉगर मिल गए हैं, जो कि शर्मा रहे हैं ब्लॉग बनाने में। कहला शर्मा रहे भैया, कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सब्सक्राइब कोई कैसे करेगा, और सब्सक्राइब नहीं करेगा तो ब्लॉग बनाने में ना मजा आएगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए कॉन्फिडेंस अंदर रहना चाहिए, तब वीडियो बनाइए। तो भैया हम लोग का हो गया हालत टाइट, इसलिए बैठ गया पानी पीने के लिए। तो भैया जैसे आपको याद होगा, नेपाल में हम जो गए थे तो वहाँ भी पहाड़ पे शॉर्टकट मार रहे थे ना, वैसे यहाँ भी शॉर्टकट मार रहे हैं, नीचे था ऐसे घूम के था, लोग सीधे इसमें निकल गए। मुन्ना का डर लग रहा था, भाई हम आते हैं हमको पता है, अभी तो ऐसे भी महीना में नेपाल गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, और फिर अपने यहाँ आ गए कैसे राजगीर, इतना जगह भ्रमण कर लिए हैं। भैया शॉर्टकट के चक्कर में ना जा तो रहे हैं, रास्ता देखिए कैसा है, प्लस क्या है ना, जैसे चढ़ रहा है हार्ट बीट जो है एकदम धुक 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 जनरेटर की तरह हो रहा है, मेरे हार्ट में थोड़ा बहुत ऐसे भी दिक्कत है। अरे भाई हालत खराब नहीं हुआ दोस्त, बताइए भाई कैसा लग रहा है आपको?
दोस्त हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं तो गाइस आगे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कैमरामैन के इंतजार में रुके हुए हैं भाई, मेरे छपरी है। गुड जॉब छोटो। अच्छा वो है, सॉरी सॉरी, हमको लगा तू है। पहाड़ पे बोलता, पहाड़ पे आइए उसके बाद मजा आएगा। पहाड़ किसको बोलते हैं? आ मम्मी, भाई पता है सामने जो चूतिया वीडियो नहीं बना रहा है यहाँ पे जो कुछ देर पहले मिला था, वो अपने वीडियो में बोलता है गाइस मेरा एक न्यू सब्सक्राइबर, उसका चैनल का नाम क्या है वो भी हमको पता नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना, रोला जमा रहा है साला। वो छपरी यूट्यूबर है ना। इधर आओ छोटो छोटो, एक बार और बोलो ना रे। छपरी यूट्यूबर है, टोपी उपी लगाई ले ना चाचा, इसलिए शायद बोल रहे हैं। काशी भाई वही कारण है कि सब लग ये रहा है ऑटोमेटिक छपरी। और आपको पता है ना, बच्चे दिल के सच्चे, कोनो कोनो बच्चे होते हैं वो के बच्चे। क्या करता है रे तेरी तो? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो ना, जाने नहीं लग रहा है। जान लग तनका और जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। ए बुआ, अरे एक बार और बोलो ना, एक बार। वो है छपरी यूट्यूबर। भैया पता है हम लोग जो बच्चा को ऐसा ऐसा बात सिखा रहे हैं ना, और पब्लिक प्लेस में बुलवा रहे हैं, भगवान कसम हम लोग को नरकों में जगह नहीं मिलेगा। उधर बैठा ले। हो गया ले अगला सब का बौकी था, लेकिन बौकी यहाँ आवे के बाद लंगूर कहाँ है? या बहुत है। कहाँ? चलो बिस्कुट खिलाते हैं। इसके लिए हम बिस्कुट लेके आए हैं, इसको बिस्कुट हम खिलाएंगे। बिस्कुट। भैया ये लोग यहाँ पे पत्थर रख रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपको पता है तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए। भाई हम लोग व्यू करते थे, मस्त व्यू किधर है? इधर है। गाइस बैठे बैठे हमको एक सवाल आया है। अभी हम मोटा मोटी 10 दिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, अभी फिर यहाँ आ गए हैं। कितना रुपया खर्च हुआ होगा मेरा, मोबाइलवा तो जरूरी आ जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो यहाँ पे ये सब बना हुआ है, पता नहीं हमको ये सब क्या है। अगरबत्ती औरत सब जला रही है, पता नहीं क्या है। देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए व्यू। यहाँ में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, एक चूतिया, एक बहुत बड़े चूतिया, उसके बाद आते हैं ये लोग। तो भैया आने समय में ये वाला बंद था, अब जाने समय में चालू है, तो जाएंगे अब इसी से, देखते हैं कैसा लगता है। कभी चढ़े नहीं ना है भाई। चलो मुन्ना, चढ़ेगा ना? चलो, डर नहीं लगेगा? डर लगेगा, देखते हैं। चलो, ये जाने का मूड था उसमें, लेकिन इस सर के वजह से, इसका डर से वो फट गया जी, तो हम लोग ऐसे ही। तो भैया यहाँ पे बैठे बैठे एक चीज सोच रहे हैं, नीचे थोड़ा उतर गया, आधा नीचे मोटा मोटी उतर गए हैं, वहाँ पे नहीं गया मंदिर में, मंदिर ही उसको शायद बोला जाता है, इसलिए कह के स्नान नहीं किए थे। बिना स्नान के कोई भी धर्म का हो, कोई भी चीज हो, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब जो धार्मिक स्थल हो,
तो हम नहीं गए, फिर अभी नीचे जा रहे हैं। तो अभी बीच में यहाँ पे ये सोच में हम लोग पड़ गए ना, साला जाए तो जाए कहाँ, अब करे तो करे क्या। ऐसे ही भाग आए थे यहाँ अभी। कहे कि वो नहीं, वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में जो बोले नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्ले मास मेला दिखाएंगे, वो भी मूड बन गया था, फिर निकल गए। अब पता नहीं यहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, अब शिव भाई कुछ करेंगे, देखते कहाँ लेके जाते हैं। नीचे उतर, जल्दी उतरो, हटो, जल्दी उतरो, उतरो ना, उतर बे, उतर, हंस रहा है, हाँ जल्दी हटो, जल्दी हटो तेरा माइक। तो भैया फाइनली मल्लेमास मेला में फिर से पहुंच गए, और यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है भाई, हालत ख़राब है, और घूमने का मन नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी। बट आगे जाके पता चलता है भाई लाइन इतना लंबा है, ये गर्म कुंड है भाई, यहाँ पे नहीं स्नान हो पाएगा, ये देखकर ही हालत ख़राब हो गया है। और प्लस हम लोग का सामने ट्रेन था, तो रुकना कोई फ़ायदा था नहीं, समय काफ़ी हो गया था, तो हम लोग सीधे यहाँ से निकल गए। और निकलते जाते जाते भाई रास्ता में हम लोग को दिख गया थिएटर, मस्त मस्त थिएटर, जो कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा था भाई, मन था, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था शाम में ये चालू होता है। सो हम लोग डायरेक्ट निकल गए स्टेशन के लिए। भैया पता है अभी क्या हुआ है? ये बोला औरत ना, हम लोग से तनका झगड़ा कर लिए स्पेस के चक्कर में, इतना भर दिया ना बुला बुला के जबरदस्ती, देख लीजिए औरों को भेजते हैं ला रहे घोड़े, इधर का नजारा दिखा नहीं पीछे, दिख गए होते, दिख गए होते। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको भी पैसा कमाना है, जो कि हम शुरू में बताए थे एंजल वन से ट्रेडिंग करके, तो लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए और इंस्टा पे हमें मैसेज करिए अकाउंट बनाने के बाद। सो हो गया है, तो हम अपने साथ साथ आपको भी ट्रेड लिवा देंगे, जो हम लेंगे वही, तो प्रॉफिट आप कमा लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर करना है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और बाकी अगर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में वीडियो बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।